सुखदेव जी महाराज का दर्शन किया, ऐसे लग रहा है जैसे स्वयं दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो। घर त्याग स्वयं वैराग्य स्वयं त्याग स्वरूप यहाँ प्रकट होकर श्री सुखदेव जी के रूप में प्रस्तुत हुए। साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रश्न किया, अत प्रच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यं अथो जप्यं यत् कर्तव्यं रवि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विवर्ययम्। जिसकी मृत्यु सातवें दिन हो वो व्यक्ति क्या स्वीकार करे और क्या अस्वीकार करे, क्या करे और क्या न करे, क्या ग्रहण करे किसका परित्याग करे। अभिप्राय है जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए कृपा करके बताइए। जो मरने वाला, जो मरेगा ही, निश्चित हो चुका है कि सातवें दिन वो मरेगा, वो क्या करे। कल भी कहा था, आज फिर याद दिला देता हूँ क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत कम है। जब से मोबाइल में मेमोरी कार्ड आ गया है हमारे माइंड की मेमोरी कार्ड खत्म हो गई। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं ध्यान से सुन लें, ज़्यादा मोबाइल यूज करने से आपके माइंड की मेमोरी शून्य हो जाती है। मैं नहीं, अमेरिका के वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं। एक घंटा लगातार आप फोन सुन लीजिए, आपका दिमाग यहाँ से गर्म होने लग जाएगा, टच करके देख लेना। अधिक देर मोबाइल यूज मत, ये बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। अब आपके भागवत में लिखा है क्या, सुखदेव जी महाराज ने जब भागवत की थी तब मोबाइल की रचना हुई नहीं थी, वो अब हुई है तो हम क्या करें भैया। थोड़ा आज की भी कथा लेके चलना पड़ता है जिससे हमारे नौजवान बच्चों को उनके कुछ अच्छा हो सके तो ठीक है, माने तो ठीक, न माने तो जो कर रहे वो करोगी। बंधु, जिसकी मृत्यु सातवें दिन है वो क्या करे। एक व्यक्ति, एक सज्जन पुरुष एक संत के पास पहुंचे, संत एकनाथ महाराज के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप सारे दिन, एक वैष्णव थे, एकनाथ जी के पास पहुंच के कहते, महाराज आप सारे दिन भगवान में अपना ध्यान कैसे लगा लेते हो, कैसे लग जाता है सारे दिन आपका ध्यान, यहां तो 10 मिनट नहीं लगता। महात्मा जी ने, एकनाथ जी ने सोचा कि इसको एकदम ऐसे ही वाणी के द्वारा समझा दूंगा तो बात समझ में नहीं आएगी, कई चीजें क्रिया के द्वारा समझाई जाती है क्योंकि वाणी से लोग जल्दी प्रभावित नहीं होते, समझते नहीं। बोले हाँ, कई बार तो सोच लेते इनका काम है कहना, तो कह रहे होंगे। तो संत एकनाथ जी ने एक उपाय ढूंढा और वह उपाय बड़े गजब का था। उन्होंने कह दिया, भैया अब हमसे ज्यादा मत समझो क्योंकि अब तुमने अब तक भजन नहीं किया तो आगे भी क्या कर पाओगे, अब तो वैसे भी तुम्हारी मृत्यु 10-15 दिन के तो तुम हो ही दुनिया में, जब अब तक नहीं किया तो अब क्या करोगे। क्या कह दिया, कितने दिन के हो बोलो, 10-15 दिन के, कह दिया। अब तो महाराज बाकी सृष्टि विष्टि गुम, बाकी होश उड़ गए, दिमाग खत्म, टेंशन के मारे मारा सब दुनिया भूल गया, सब कुछ भूल भाल गया। अब पता चल गया कि मैं 10-15 दिन का हूं, महाराज तो इसने सिद्ध महात्मा है तो ये तो झूठ बोलेंगे नहीं। अब पूरे गांव में घूमे, सबसे क्षमा याचना करता फिर, भाई अपराध हो गया हो तो क्षमा करना, मानव जीवन है भाई, देखो भाई अब जाने का समय आ गया,
तुरंत जाते ही पहले दिन सारा कुछ अपने बेटे को सौंप दिया, ले भाई बच्चे ये ले, अब तू तेरा कोई हमारा अब संबंध नहीं रहा, अब हमें भगवान में लग जाने दे। दुनिया के सारे लोगों से क्षमा मांगता फिरे और 24 घंटा राम 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 करता फिरे, राम राम करता फिरे, राम राम करता फिरे। एक क्षण भी एक मिनट भी सोवे तो उसे टेंशन लगे कि मैं सो क्यों रहा हूँ, मुझे भजन करना चाहिए, समय कम है। महात्मा जी ने एक हफ्ते बाद बुलाया था कि आना, एक हफ्ते बाद गए, माथे पे तिलक लगा हुआ है, गले में कंठी पहनी हुई है, भगवान का नाम उनकी वाणी से उच्चारण हो रहा है और एक क्षण भी उस नाम को छोड़ना नहीं चाह रहे। महाराज ने पूछा क्या हुआ, कैसा लग रहा है? बोले महाराज कुछ नहीं, अब तो 7 दिन निकल गए, अब तो 2-4 दिन और बचे, भजन करने दो, राम 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 राम। अरे भजन कर लेना, भजन कर लेना, लेकिन हमको सिर्फ इतना बता दो कि इन 7 दिनों में तुमने क्या क्या किया। तो सारी स्टोरी बता दी, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने। तो उन्होंने पूछा क्या एक भी पाप तूने किया? बोले पाप की बात कर रहे हो, मृत्यु कान पे हमारे सर पे खड़ी है, डंडा लेके खड़ी और हमसे पाप होगा? पाप छोड़ो महाराज, अब तो सिर्फ भजन ही भजन, मर जाएंगे तो पाप महाराज नहीं करना, पाप नहीं करना। तो संत एकनाथ जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, इन 7 दिनों में जैसी तूने जिंदगी जी है वैसे मैं हर दिन जिंदगी वैसी जीता हूं, इसलिए मेरा ध्यान भगवान में लगा रहा है। पाप व्यक्ति तभी करता है जब वो मृत्यु को भूल जाता है। जब वो मृत्यु को भूल जाता है तो पाप में लिप्त होता है, भगवान को भूल जाता है जिसने मानव जीवन दिया है। दुर्लभो मानसो जन्मा, एक आंख की कीमत क्या होती है, एक किडनी की कीमत क्या होती है, बाणी की कीमत क्या होती है। देखो एक और बात बता दें, भगवान ने हर चीज, दो आंखें दो दी, नाक के द्वार दो दिए, सुनने के लिए कान दो दिए, हाथ दो दिए, पैर दो दिए, किडनी दो दी, बाणी एक क्यों दी? बाणी एक क्यों दी? बेड़ा गर्क कराने के लिए एक ही काफी है। अगर जीवन भर गलत बोलते रहे तो एक ही वाणी तुम्हें नरक में ले जाएगी, और इस वाणी का अगर सदुपयोग कर लिया, राम राम गा लिया, श्याम श्याम गा लिया, तो एक ही वाणी तुम्हारा बेड़ा पार करा दे। क्या बोलना पड़ेगा? दो जिब्या होती हैं किसकी जानते हो? किसकी? माताएं बता सकती हैं। अच्छा बताओ दो जिब्या किसकी होती है? ए तुम्हारे घरों में चलता तो है वो नागिन नागिन चिल्लाऊंगी, यहां जितनी माताएं बैठी हैं 80% सब नागिन देखती हैं। देखती हैं कि नहीं, सही बताओ। हाँ हाँ, सबके यहाँ लग रहा है। वैसे भी बहुत से लोगों से कहो भजन कर लो, भजन कर लो, उसे कहते अभी तो समय बहुत पड़ा है, कर लेंगे भजन। क्या बात करते हो, कब करोगे? प्राण प्राण समय कभवात वित्तय कंठावरोदन विदो स्मरणम कुतस्ते। जब बुढ़ापा आ जाता है ना तो क्या स्थिति हो जाती है, हुल्लो हुल्लो, खांस खांस के पेट में दर्द हो जाता है, कफ गले में अटक जाता है, गुड़ुर गुड़ुर शंख के बजने की आवाज अपने आप गले से आती है, कंठ अवरोधन विदो, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, स्मरणम कुतस्ते, फिर स्मरण कैसे होगा? यह कहना कि हम भक्ति बुढ़ापे में करेंगे यही मूर्खता है, होगी नहीं, हो ही नहीं सकती। सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है, कर्म करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, देखने की क्षमता कमजोर हो जाती है, तो फिर बुढ़ापे में भक्ति कैसे कर पाओगे? भक्ति का बीज तो बचपन में ही बोना पड़ेगा। अब देख लो कितनी माताएं बहन भाई बंधु जो उस उम्र में पहुंच गए कि महाराज घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, अब परिक्रमा कैसे दोगे? महाराज कानों से कम सुनाई पड़ता है, फिर कथा कैसे सुनोगे? महाराज आंखों से कम दिखाई पड़ता है, फिर बिहार जी का सीताराम जी का दर्शन कैसे करोगे? महाराज हाथ काम नहीं करते तो फिर संतों की सेवा कैसे करोगे? फिर तो तुम्हारी सेवा के लिए लोग लगाने पड़ेंगे। इसलिए इसलिए इसलिए
आप अपना समय बर्बाद मत करिए, आज का यूज कर लीजिए, कल किसी ने नहीं देखा। स्मरणम कुतस्ते, जब कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, प्राण घट में आ जाएंगे, प्राण निकलने की तैयारी करेंगे, अरे बुढ़ापे में कब आ जाता है, जैसी स्थिति हो जाती है, सब बुजुर्गों को पता है, नहीं निकलता है भगवान का नाम। तो परीक्षित महाराज के इन प्रश्न को समझ लीजिए, जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए। तब बरी अने सते प्रश्न एवं आभास्तम प्रश्न, सुखदेव जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया। और पहले ही जो बोले वो क्या सुंदर संबोधन है, वरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। हे राजन तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम महान हो, तुमने ये प्रश्न नहीं किया कि मैं मरने वाला हूं तो मेरा कल्याण कैसे होगा। आपने प्रश्न किया है जो मरने वाला है उसका कल्याण कैसे होगा। और सच यह है कि इस दुनिया में सब मरने वाले हैं, मेरा क्या होगा ये प्रश्न करने वाला स्वार्थी, हम सब का क्या होगा ये प्रश्न करने वाला परमार्थी। दुनिया में स्वार्थी बहुत हैं, परमार्थी बहुत कम है। और जो परमार्थी हैं ऐसे लोग भगवान को और भगवान के भक्तों को संतों को प्रिय लगते हैं। समझ लीजिए, प्रश्न है लोगों का, मतलब जो मरने वाले उनका प्रश्न होगा। प्रश्न सुन के सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, धन्य है वो लोग जिनको जगत की चिंता है, जिन्हें औरों की चिंता है। और मींस कोई गैर नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक ही तो हैं, कोई अलग थोड़ी है, हम सब एक हैं, एक ही परिवार के हैं। कौन है? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जुग जुग पानी, तात तुम्हारे मात वे देवी। हमें जन्म देने वाली माँ तो सिर्फ एक जन्म की माँ है, हमें जन्म देने वाले पिता तो सिर्फ एक जन्म के पिता है, लेकिन हर जन्म जन्म में जो हमारा ध्यान रखते हैं, ऐसे सीताराम जी महाराज हमारे माता पिता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। और जो इन बातों को समझ लेते हैं उन्हें मृत्यु और मुक्ति दोनों का मतलब समझ में आ जाता है, मृत्यु और मुक्ति दोनों का मतलब समझ में आ जाता है। भरत जी महाराज का कितना सुंदर दर्शन है, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। अलग नहीं है, दोनों चरण मेरे लिए पूज्य नहीं। आप भी तो बोलते हो ना, ए संस्कृत में बोलते हो ना एक श्लोक, तुमेवम, क्या मुझे याद नहीं, प्लीज बोलो ना, तुमेव माता च पिता, कौन कौन बोलता है ये श्लोक? और मैं भी बोलता हूं ये श्लोक। किसको बोल रहे हो तुम माता पिता? कौन है वो माता पिता? अपनी मम्मी पापा को बोल रहे हो या उसको बोल रहे हो? किसको बोल रहे हो? जवाब दो। बोल रहे हो ना, इसका मतलब वही तुम्हारे माता पिता हैं, वही हमारे माता पिता हैं, तो हम अलग कहां हुए, हम एक ही तो हो गए, वसुधैव कुटुंबकम हुआ कि नहीं? तुम बिना माइक के बोल लेते हो, हम माइक के साथ बोल लेते हैं, फर्क इतना ही। तुम वहां बैठ के बोलते हो, हम यहां बैठ के बोलते हैं, इतना ही फर्क है, बोलते तो हम भी, इसलिए हम अलग नहीं है, हम सब एक हैं। जन कल्याण की फीलिंग तुम्हारे, अरे जन कल्याण की छोड़ो, अपने ही कल्याण की बात सोच लो, तुम्हारा कल्याण कैसे हो। अच्छा मृत्यु होगी कि नहीं, होगी कि नहीं?
मौत की किससे रिश्तेदारी है, मौत की किससे रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी। राम नाम कैसे सरयू तट पे ले जाते तो क्या बोलते, राम नाम। टेंशन में आ गए, प्लीज महाराज ये मत बुलवाओ, क्यों नहीं बुलवाओ। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद, वो राम नाम है। जिसने राम गा लिया वो हमेशा जीवित रहा, और जिसने राम नहीं गाया वो कभी जिंदा नहीं रहा, कभी जिंदा नहीं। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया वो जन्म लेते ही मर गई। महाराज एक बुढ़िया थी, बुढ़िया और जन्म लेते ही मर गई। क्यों सर? बोले महाराज ये कैसी बुढ़िया जो बूढ़ी भी हो गई तो क्या उसने जन्म ही बूढ़ी ने लिया था? ये कैसी बुढ़िया है जो जन्म लेते ही मर गई? सच यह है उम्र उसे नहीं कहते जो संसार में व्यतीत हो जाए, उम्र उसे कहते हैं जो धर्म के साथ अध्यात्म में रहते हुए व्यतीत हो। संसारिक हिसाब से तो वो बुढ़िया ही थी, उम्र बहुत थी, लेकिन जीवन में कभी भी उसने सत्कर्म नहीं किया, कभी भी भगवान का भजन नहीं, कोई दान पुण्य नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई कुछ नहीं। एक दिन अच्छा करने के लिए मंदिर गई, मंदिर में भगवान का दर्शन किया और उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो जन्म लेते ही बुढ़िया मर गई। तो जन्म लेते ही मत मरना। या किसी का तो जन्म ही नहीं हुआ, बूढ़े तो हो गए पर जन्म नहीं हुआ। आप सबसे आग्रह अपने जीवन के सार को समझ लीजिए, कल्याण कैसे हो उस मार्ग पर निकल जाइए। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाभियान बनाने का पीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराष्ट्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराष्ट्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराष्ट्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्र द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम छठीकरा वृंदावन रोड, वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90 फर्स्ट फ्लोर सेक्टर 6 रोहिणी नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756400008, मोबाइल 9212210143, वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।